आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। पिछले दिन आपको हमने संध प्रकरण पर कुछ बताया, जिसमें संध की परिभाषा, संध के भाग, तमाम बातें आपको बताए। कल हम आपको संधि, संध के भाग में स्वर संध के पहले भाग पर चर्चा कर रहे थे। स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ सन। इसका सूत्र था अतः स्वर्णे दीर्घ है। नियम इसका है जबकि ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई ई उ ए एवं री लृ वर्ग के पश्चात इसके सवर्ण वर्ण आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और री बन जाते हैं, तब दीर्घ संधि कहलाती है। लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। उदाहरण इसका है, कल हमने दो उदाहरण आपको विस्तृत जानकारी दिया और तीसरा उदाहरण में आप देखें कि उ या बड़ा उ के पश्चात उ या बड़ा उ बराबर बड़ा उ। तो अब जैसे इसमें उदाहरण आप देखें कि भान भन उदय बराबर भान उदय, इसमें छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, वधु धन उत्सव वधुस्व, तो वधु में बड़ा उ है और उत्सव में छोटा उ है, इसलिए दोनों मिलकर के बड़ा उ हुआ। अब लग धन उर्मी, लग में छोटा उ है उर्मी में छोटा उ है, दोनों मिलकर के बड़ा हुआ। विधु धन उदय विधुदय बराबर विधु में जो है छोटा उ है उदय में छोटा उ है, दोनों मिला करके बड़ा उ हुआ। इस प्रकार से अगला देखें, गुरुधर उपदेश है गुरु उपदेश है छोटा उ, गुरु में छोटा उ है उपदेश में छोटा उ है, दोनों मिलाएंगे तो आपका बड़ा उ हुआ। साधन उत्तम साधुक्तम, साध में छोटा उ है उत्तम में छोटा उ है, दोनों मिला करके बड़ा उ हुआ। अगला देखिए उदाहरण चौथा लास्ट, री या बड़ी री के पश्चात री या बड़ी री बराबर बड़ी री होता है। अब इसमें देखें मातृधन ऋकार बराबर मातृकार, मातृधन ऋणम मातृणम, भोतृधन ऋकार बराबर भोतृकार। तो अब दीर्घ संध के चार उदाहरण हम आपको बता चुके। अब गुण संध की परिभाषा आप देखें, इसका सूत्र है आद गुण। नियम इसका है कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई उ या उ री और ली आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः इस प्रकार से होते हैं ए ओ आर और अल गुण हो जाते हैं, तब गुण संधि होती है।